बाकी देखिए यहाँ पर वडोदरा के पहले जो है बारिश कितनी तेज से चल रही है, इसका काम चल रहा था इसलिए जो है ट्रेन हमारी डिले हुई थी। नर्मदा माता की जय हो। कनकपुर की ये थाली हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, रेस्टोरेंट का नाम जो है मेंशन भी कर दूंगा। स्वागत है दोस्तों आपका एक और न्यू जर्नी वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुड मॉर्निंग। अभी मैं आ गया हूँ करंटली रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन हमारी जो है 2.5 घंटे डिले चल रही है, मतलब 2 घंटा 20 मिनट अप्रॉक्स जो है डिले चल रही है। 22634 हजरत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आज हमारी जर्नी होने वाली है। निज़ामुद्दीन से निकलती है पर मैं जो है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से बोर्ड कर रहा हूँ। आप लोग तो जानते ही है मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं इंदौर से जो है डायरेक्टली रतलाम आ गया था अभी अभी। तो है आपकी इंदौर जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पकड़ के जस्ट मैं अभी जस्ट डिबोर्ड हुआ हूँ और बाहर आया हूँ स्टेशन पे। और देखिए क्लाइमेट देखिए कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल मौसम जो हो रहा है बारिश का हो रहा है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, मानसून सीजन चल रहा है तो बारिश का मौसम हो रहा है। बाकी थोड़ी सी मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की। देखिए सामने जो है मेन एंट्रेंस देखने को मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर जो है हमारा एक और दो प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा सामने रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का। यहाँ पर जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आप यहाँ से डायरेक्टली जो है आके FOB के थ्रू जो है अपने प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। 4 नंबर प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हैं इस तरफ। और नाश्ता पानी वगैरह अगर आपको करना है, जैसे मेरा अभी यहाँ पर मेरे पास अप्रॉक्स 2 घंटे समय है। ट्रेन जो हमारी आएगी अप्रॉक्स आएगी अराउंड 9:00 या 9:10 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो जाएगा, तो अभी काफ़ी टाइम है। चलिए कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं यहाँ पर, क्योंकि रतलाम आए और रतलाम में अगर पोहे ना ट्राई करें तो फिर क्या मतलब है रतलाम आने से। हाँ बाकी आपको इंक्वायरी काउंटर वगैरह की अगर आवश्यकता है तो यहाँ पर दोनों साइड पर इंक्वायरी काउंटर देखने को मिल जाएंगे आपको। वहाँ पर इधर से थ्रू लेन लिखा हुआ है, यहाँ से जो है उस तरफ जाना पड़ेगा। टिकट हाउस वेटिंग हॉल वगैरह की सुविधा इस तरफ मिलेगी। टिकटिंग के लिए रिजर्वेशन वगैरह करंट टिकट काउंटर आपको इस तरफ देखने को मिल जाएंगे, वही है मेन एंट्रेंस, वहाँ पे इंजन लगा हुआ है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में जाके वहाँ दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं हम इस तरफ, क्या मिल रहा है खाने पीने में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए आपका जो है मेन मार्केट बना हुआ है पूरा, होटल्स वगैरह की सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल ब्रेकफास्ट में देख लीजिए हमने जो है हमारा MP का फेमस पोहा और एक जो है आपका पनीर पकौड़ा लिया है। इसको मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बाकी सामने जो है आपको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी, ऑटो रिक्शा वगैरह। यहाँ पर सामने बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड के लिए भी अगर आपको जाना है तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। बाकी मैंने जो है यहाँ से लिया है अपना ब्रेकफास्ट, ये शॉप है, नाम देख लीजिए आप एक बार, अगर इसका अच्छा होगा तो मैं आपको बताऊँगा। अभी पहले मैं टेस्ट कर लूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। बाकी भैया के आपको खाने के लिए बहुत अच्छा नाश्ता मिल जाएगा आपको, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है देखिए। और पोहे भी बहुत बढ़िया भैया ने पोहा है। बाकी नाम का दुकान का नाम देख लीजिए आप, ये है हाँ भोले। तो आपको यहाँ पे बढ़िया ब्रेकफास्ट देखने को मिल जाएगा सुबह सुबह, तो कभी ट्राई करिएगा अगर आप रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ रहे हैं तो। चलिए फिलहाल हम अंदर चलते हैं, हमारी ट्रेन में अभी तो टाइम है, 2 घंटे काफ़ी टाइम है, तो अंदर ही बैठते हैं जाके स्टेशन पर आराम से। और फिलहाल मेन एंट्रेंस भी मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ से चल के, मेन मार्केट एरिया यही है। आपको होटल वगैरह का लेना हो तो यहीं पे आना पड़ेगा। ये है आपका रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस, सामने मेन एंट्रेंस बना हुआ है। ये आपका 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्रेंस और एग्जिट, और ये आपका 4, 5, 6, 7 की तरफ से FOB की सुविधा वगैरह सब है यहाँ पे अवेलेबल। फिलहाल देखिए मैं देख रहा हूँ कि एक्सीलेटर भी जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है, ये बढ़िया किया है काम। बाकी टिकट अनरिजर्व कंप्यूटर टिकट काउंटर वगैरह रिजर्वेशन काउंटर सब आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपका खूबसूरत सा जो है स्टीम लोकोमोटिव खड़ा हुआ है जो इसी रूट पे पहले चला करता था, इसको प्रिजर्व करके रख दिया गया है, अब तो खैर ये नहीं देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। अभी तो काफ़ी टाइम बन है अभी, तो चेकआउट करते हैं। फिलहाल जो है शायद से अवंतिका आ चुकी है,
अवंतिका का टाइम, हाँ अवंतिका आ गई होगी क्योंकि अवंतिका 9 बजे करीब जो है इंदौर पहुंच जाती है, और कुछ ही देर में इंदौर इंटरसिटी भी आने वाली है न्यू दिल्ली से जो आती है, वो भी अराइवल देखते हैं कैप्चर करेंगे। चलिए ये है हमारा निज़ामुद्दीन TVC, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी ट्रेन। May I have your attention please? Train number 01491 Pune Hazrat Nizamuddin Holiday Special from Pune to Hazrat Nizamuddin via Kota Mathura Junction is reported running late by 2 hours 15 minutes. It is expected to arrive here at 9 hours on platform number 5. फाइनली टाइम देख लीजिए आप, 9:11 पूरे 2 घंटे 10 मिनट के डिले के साथ हमारी जो है ट्रेन का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। नंबर 2263 हजरत निज़ामुद्दीन त्रिवानंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, फिलहाल जो है आज वेब 4 लोकोमोटिव मिला है तो हमारी स्पीड जो है रिस्ट्रिक्टेड रहेगी 110 किलोमीटर पर। फिलहाल तो स्टेशन पे आपको जो है यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, क्लीनिंग वगैरह साफ सफाई जो है यहाँ पे चल रही है हमारी ट्रेन की, और रतलाम को जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ से जो है चित्तौड़गढ़ वाली लाइन अलग हो जाती है, मैंने आपको पहले भी अपनी जर्नीज में दिखा रखा है, और हमारी इंदौर वाली जो फतेहाबाद चंद्रावतीगंज वाली लाइन है वो भी अलग हो जाती है, इसलिए रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी दिल्ली वाली मेन लाइन आ रही है यहाँ पर और मुंबई वाली मेन लाइन आ रही है तो इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और अभी तो फिलहाल क्लीनिंग वगैरह चल रही है बेड रोल वगैरह के लिए, मैंने उससे बोल दिया है अंदर भैया से तो वो चेंज कर ही देंगे। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए आपको अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं रतलाम में, पोहा वगैरह अगर आप आ रहे हैं तो ट्राई करना मत भूलेगा स्टेशन पे, और ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म पे आपको पोहा देखने को मिल जाता है, सुबह गर्मा गर्म जो है पोहा देखने को यहाँ पे मिल जाता है इजीली, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आपको एक रेल कोच डेडिकेटेड रेल कोच रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा, आप जैसे ट्रेन वगैरह यहाँ पे पकड़ रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर सकते हैं, लंच डिनर वगैरह, मैंने उसका डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वो भी। बाकी 9:19 हो गए, अब देखते हैं कितने बजे हमारी ट्रेन चलती है, और लगेज वगैरह मैंने सेट कर दिया है अंदर फिलहाल, और ये हमारा कोच है, 3rd AC में हमारी जर्नी होने वाली है आज। ये बना हुआ है रतलाम का रेल कोच रेस्टोरेंट सामने, रूट की बात कर ली जाए तो रूट हम जो फॉलो करने वाले हैं, यहाँ से हम बड़ोदरा की तरफ बढ़ेंगे, सूरत होते हुए हम मुंबई की तरफ बढ़ेंगे, मुंबई में हम लोग जो है वसई रोड होते हुए पनवेल जाएंगे, पनवेल से हम चिपलून के रास्ते मैंगलोर होते हुए मदगांव होते हुए वहाँ से मैंगलोर निकल जाएंगे, मैंगलोर से हम जो है एर्नाकुलम होते हुए कोल्लम होते हुए त्रिवेंद्रम जो है कल रात में
12 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे जिस हिसाब से डिले है। वैसे ऑफिशियल टाइम जो है इसका 10 बजे के आसपास बेंगलोर पहुंच जाती है ये तिरुवनंतपुरम, पर अभी 2 घंटे 10 मिनट का डिले चल रहा है तो शायद से 12 बजे तक आसपास जो है ट्रेन पहुँच जानी चाहिए। फिलहाल जो है पिपलाघाट चल रहे हैं हम लोग, बामनिया के पहुँचने वाले हैं। तो बामनिया के पहले हमको माही रिवर के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। अधिक खूबसूरत रिवर है इस रूट की माही रिवर, मैं आपको जरूर दिखाऊँगा। और इस रूट पे एकमात्र टनल बनती है वो भी जस्ट आने ही वाली है। वो फिलहाल पिपलाघाट चल रहे हैं, वो आप नज़ारे देखिए। मानसून में पिपलाघाट जो है हरे भरे हो ही गए हैं फिलहाल। फिलहाल हम लोग जो है पंच पिपला घाट को क्रॉस कर रहे हैं। इस रूट के एकमात्र घाट है साथ। हम लोग जो है अभी पंच पिपला रेलवे स्टेशन को भी स्किप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वडोदरा के पहले जो है बारिश कितनी तेज से चल रही है, पीछे धूप निकल रही थी, यहाँ पर देखिए नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। लगता जस्ट अभी बारिश स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले, क्योंकि जो जमीन है वो सूखी है, पूरी खेत वगैरह में जो है सारा सूखा पड़ा हुआ है। लगता बारिश अभी जस्ट स्टार्ट हुई है।
फिलहाल देख लीजिए 1:45 हो रहा है और डेरोल पे जो है मेन लाइन पे ही खड़ी है ट्रेन, वैसे नो सिग्नल के कारण। बारिश वगैरह तो अच्छी हो रही है। बाकी मैं आपको एक फ्यूचर बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे जो है ऑर्डर करना है खाना अपना स्विगी के थ्रू। स्विगी पे भी अब ये फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना PNR एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। PNR वाले सेक्शन पे चले जाएगा स्विगी में, आपको देखने को मिलेगा, एग्री करना है, रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना है। देख लीजिए रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया आपने, जो भी आपको ऑर्डर करना है A to Z इसमें सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। जो भी मैंने पनवेल सिलेक्ट करा है, फिलहाल जो मैं ट्रेन में तिरुवनंतपुरम जा रहा हूँ मैंने सिलेक्ट करा। आपने अपना ऑर्डर ऐड करा, ऐड करिए, ऐड करने के बाद व्यू कार्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट करिए। आप जो भी आपको कूपन वगैरह अप्लाई करना है आपका कूपन अप्लाई कर दीजिए यहाँ से। मैं भी कर लेता हूँ, यहाँ से कूपन अप्लाई हो गया, टोटल ऑर्डर है, पेमेंट करिए और आपका जो खाना है वो आपकी सीट पे सर्व हो जाएगा पनवेल पे आके। तो ये जो है सबसे ईजीएस्ट मेथड है। डायरेक्टली आप स्विगी से भी कर सकते हैं, IRCTC की ई कैटरिंग के थ्रू भी जाके आप यहाँ से डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है खाना मंगवाने का। फिलहाल जो है डेरोल पे हम लोग खड़े हुए हैं, सामने देखिए हमारा जो है इंडिया का फ्लैग है और बारिश धीरे धीरे बारिश हो रही है। हमें लगता है गुजरात में लगभग मानसून अब आ गया है, एंटर कर गया है मानसून। चलो फाइनली 50 खड़े करने के बाद डेरोल से भी निकाल दिया है। और एक चीज़ अच्छी है कि हमें इससे पहले निकाला है रामनगर बांद्रा से, नहीं तो खतरनाक वाली बेइज्जती हो जाती है अभी तो। भाई कब बाकी, चलिए ये भी हमारे पीछे पीछे आएगी अब ट्रेन। बाकी देख लीजिए ब्रिज का काम चल रहा था, इसलिए जो है ट्रेन हमारी डिले हुई थी। ब्रिज का पूरा मेंटेनेंस वर्क चल रहा है यहाँ पर। अहमदाबाद से मेन लाइन, और ऊपर जो है आपका बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसका काम चल रहा है। ये भी अहमदाबाद की तरफ जाएगी और हमें जो है शायद से आउटर पे रोकेंगे, देखते कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएगी ट्रेन। फिलहाल वैसे सबसे आगे लीड में हम ही लोग चल रहे हैं फिलहाल तो। चलिए 3:15 पे फाइनली 4:15 के डिले के साथ हम लोग वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। बाकी यहां से केवड़िया के लिए भी आप निकल सकते हैं और साथ ही साथ अहमदाबाद के लिए भी आप यहां से जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, मैंने आपको दिखाया था चायपुरी पे लाइन हमसे जो है अलग हो जाती है। बाकी चलिए अभी यहां पर तो लंच ऑर्डर नहीं, सूरत पे कर रखा था तो सूरत तो हो गया डिले।
फिलहाल यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है स्वामीनारायण मंदिर और एस्कॉन टेम्पल। अगर आप वडोदरा आ रहे हैं तो घूमना मत भूलिएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 8 मिनट का हॉल्ट है टोटल फिलहाल। और कुछ खाने के लिए देख लेते हैं क्योंकि भूख तो लग गई है। सुबह ब्रेकफास्ट ही करके निकले थे, उसके बाद तो कुछ ले लेते हैं खाने के लिए यहाँ से। फिलहाल क्या मिल सकता है ये देखते हैं। फिलहाल गर्मा गर्म कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए मैं आपसे कुछ लेता हूँ फिर बात करता हूँ। फिलहाल रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, 1 नंबर पे मेन लाइन पे ट्रेन आई है, कभी भी निकल सकती है, इसलिए फटाफट मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। बाकी ये ले लिया बड़ा पाव हमारा। अब ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम कम बचा है इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे इसको फिनिश करते हैं फटाफट। वैसे 30 रुपये का है, गर्म है, मैंने टेस्ट कर लिया है, अच्छा है टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, ले सकते हैं आप। बाकी वो चलते हुए वेंडर है ना उनसे लेना, ये स्टॉल वालों से मत लेना। स्टॉल वालों का ना कुछ ख़राब सा दिख रहा था वड़ा वगैरह, इसलिए मैंने ट्राई नहीं करा। अभी डिपार्चर रहती है ट्रेन, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अंदर बहुत सारे वेंडर चल रहे हैं ट्रेन के अंदर, अंदर भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेन की। 8 मिनट का हॉल्ट है हमारे यहाँ पर। बाकी सामने लगता है ये एकता नगर केवड़िया वाली ट्रेन खड़ी हुई है, वही हो सकती है शायद से। करेक्ट 8 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। लेट भले ही चल रही है ट्रेन, पर ये इसको ट्रेन को प्रायोरिटी तो मिल रही है भाई साहब। नर्मदा माता की जय हो।
से बांद्रा लखनऊ। भाई साहब गजब की रफ्तार के साथ निकली है बीकानेर यशवंतपुर, गजब की रफ्तार के साथ निकली है। चलिए सूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन आ रहा है तो सूरत पे मिलते हैं आपको। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत आ रहा है, जस्ट 20-22 किलोमीटर बचा है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर उत्तरन पे लूप कर दिया गया है क्योंकि आ रही है मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस सामने से।
डायमंड सिटी सूरत में आप लोगों का स्वागत है। 5:32 पे फिलहाल जो है हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है। अभी 4:30 के डिले के साथ हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी सूरत पे देखिए आपको हमेशा ही जो है भीड़ भाड़ इसी प्रकार से मिलने वाली है। और यहाँ पे लंच भी ऑर्डर किया था, एक्चुअली में लंच टाइम था जो 12 के आसपास, मैंने सोचा था 1 करीब आ जाएगा, तो ट्रेन डिले हो गई है तो अभी आ रहा है, तो उसको भी देखते हैं कहाँ पर है। बाकी उधना से जो है आपको नंदुरबाग वाली लाइन पे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए सूरत की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है बहुत बड़ी सूरत, इसलिए सूरत को बहुत फेमस है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी आजू बाजू में। नियरेस्ट सिटी है मुंबई के, तो काफ़ी कनेक्टिविटी यहाँ से अच्छी देखने को मिल जाती है मुंबई के लिए। बाकी यहाँ से जो है काफ़ी सारे पैसेंजर्स हमारी ट्रेन में बोर्ड हुए हैं, बहुत मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन अब फुल हो जाएगी यहाँ से मुंबई तक के लिए। मुंबई से भी बहुत सारे पैसेंजर्स जो है बोर्ड होंगे, देखते हैं अब क्या होता है आगे। ये देख लीजिए स्टेशन पे जो है 5 का मात्र हॉल्ट है, इसलिए आपको जो भी कुछ ख़रीदना हो तो 5 के अंदर आप खरीद सकते हैं। ट्रेन जैसी आए वैसे ही आप रेडी रहना, आपको भीड़ भाड़ तो स्टेशन पे मिलने ही वाली है सूरत पे। मैंने आज तक सूरत को कभी खाली नहीं देखा। चलिए जो खाना मंगवाया था वो तो आ गया सीट, उन्होंने बाहर ही डिलीवर दे दिया। मैं जस्ट अभी ब्लॉग ही बना रहा था उस टाइम पे उन्होंने डिलीवरी दे दी अपने को। बस 5 का हॉल्ट है। बारिश वारिश तो बहुत बढ़िया हो रही है, खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाती है सूरत पर। ढोकला वगैरह आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। समोसा वगैरह मैंने लिया नहीं क्योंकि मैंने आपने देखा ही है पिछले स्टेशन पे जो है वड़ा पाव पहले ही ट्राई कर लिया था। अब मेरे साथ क्या है, एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने जो है ना खाना ऑर्डर यहाँ पे किया था, उसके बाद पनवेल में रात का खाना ऑर्डर कर दिया था, तो अभी हो गया डबल। तो पनवेल आएगा रात को 9 के आसपास, तो आराम से जो है अपन 10 तक खाना पीना अपना कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी जब ट्रेन निकलती है फिर मैं मिलता हूँ। बाकी वंदे भारत का जो है ओवरटेक कैसा लगा आपको बताएगा। पहली ट्रेन है जिसने हमें ओवरटेक किया जब से रतलाम से मैं चढ़ा हूँ ट्रेन के अंदर। बाकी भीड़ अच्छी खासी लगी हुई है पूरे रेलवे स्टेशन पे। चलिए फाइनली जो है हमारा सूरत रेलवे स्टेशन से जो है डिपार्चर हो रहा है। ठीक 5 रुकी है मात्र हमारी ट्रेन यहाँ पर। सारी सुविधा मिल जाएगी खाने पीने के लिए आपको, समोसे वड़ा पाव जैसी चीज़ें, फल वगैरह सब भी मिल जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह। क्योंकि हमारी ट्रेन मेन लाइन पे थी तो यहीं से स्पीड पकड़ लेंगे। बाकी ये थाली हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, रेस्टोरेंट का नाम जो है मेंशन भी कर दूंगा। बाकी ये है ये आफत करके रेस्टोरेंट है, इससे ऑर्डर किया था मैंने, है ना। इसको जो है मैं आपको रिव्यू करके भी दिखा दूंगा। 210 की मुझे थाली पड़ी है विद टैक्सेस। ये सब सामान आया है, टोटल सामान आया है, चम्मच वगैरह सभी कुछ दिया है इन्होंने। दाल के कंटेंट्स थाली, दाल जो है ठीक है, इसमें जो है शायद से एक और जो है सब्जी दे रखी, इसमें एक मिक्स वेज है, अचार है, प्याज है और रोटियां दी हुई हैं यहाँ पे। और इसको टेस्ट करते हैं बताता हूँ कैसा है। बाकी ये फ़ायदा होता है जब आप अगर ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो, ये रोटियां जो है बढ़िया है दाल के साथ टेस्ट। पनीर की सब्जी थी वो, मिक्स वेज भी अच्छी है, खाना तो लाजवाब है। खाने में नो डाउट आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलने वाली। ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया करो इस, और हाँ इस ट्रेन के अंदर आपको पैंट्री नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पैंट्री की नहीं है, साइड पैंट्री की सुविधा है, तो वो भी जो है 150 के अप्रॉक्स थाली भेज रहे, उससे अच्छा ऑनलाइन मंगा लो, क्योंकि 150 में वो खाना वर्थ एक नहीं होता है। तो मैं ऑलरेडी जहाँ साइड पैंट्री होती है मैं वहाँ तो खाना खाता ही नहीं। बाकी चलिए इसको फिनिश करता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। शायद बस ही आने वाला है, 8 तक आएगा, उसके बीच में कुछ रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा।
अभी फ़िलहाल जो है हम लोग बिलीमोरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। जंक्शन इसलिए रेलवे स्टेशन बोलते हैं क्योंकि आप वो सामने दें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक जो है नैरो गेज ट्रेन चलती है, छोटी लाइन की ट्रेन, इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी ये वाली देखिए सामने, वो बना हुआ नैरो गेज का स्टेशन बिलीमोरा जंक्शन पे, इसको भी कवर करेंगे जल्दी। बताइए आप कौन कौन इस ट्रेन का ब्लॉग देखना चाहता है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत ही जल्दी आके इसको कवर कर लेंगे हम लोग, होपफुली मानसून में ही कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। तो फिलहाल जो है अभी ये जो आपने स्किप देखा, ये बिलीमोरा जंक्शन रेलवे स्टेशन था। यहाँ से जो है मीटर गेज ट्रेन, वो नैरो गेज ट्रेन चलती है। अरे वाह, दिख गई सामने ही दिख गई। जस्ट मैं आपसे बात कर रहा था, वो देखिए इस ट्रेन की बात कर रहा था मैं। हाँ तो ये जो है वगई तक जाती है, बिलीमोरा वगई रूट पे चलती है, मीटर गेज ट्रेन है। मैंने कवर नहीं करी है, पर आप लोग अगर बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कौन कौन जो है इस ट्रेन का वीडियो देखना चाहता है, जर्नी व्लॉग, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। फिलहाल जो है बिलीमोरा निकल गया है और वलसाड आने वाला है, वलसाड के बाद वसई आएगा और वसई से जो है हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे डायरेक्ट थाने वाली लाइन पर, पनवेल होते हुए निकलेंगे हम लोग। तो फिलहाल ओवरऑल खाने की रेटिंग की मैं आपको बता देता हूँ। खाना जो था वो रेस्टोरेंट का नाम मैं मेंशन कर दूंगा खाने के टाइम पे, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से मंगवा सकते हैं, IRCTC ई कैटरिंग। साथ ही साथ मैंने आपको स्विगी से भी ऑर्डर कैसे करना है वो भी बता दिया है। जोमेटो का मैंने ऑर्डर आपको पिछली जर्नी में बता रखा है कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है। PNR ऐड करना है और आपको ऑर्डर करना है, बस ध्यान रखिएगा मिनिमम 2 से 3 घंटे पहले स्टेशन आने के पहले आपको ऑर्डर करना है। कम से कम 3 घंटे का तो गैप रख के चलिए, नहीं तो ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा। बाकी फ़िलहाल मानसून अच्छा खासा है, ह्यूमिडिटी है यहाँ पर मानसून वाकई में मानना पड़ेगा, मानसून तो है ट्रेन के अंदर अच्छा खासा मानसून है भाई साहब। बारिश लगातार हो रही है, मतलब जब से सूरत निकला है लगातार बारिश हो रही है रेगुलर। बाकी ओवरऑल साफ़ सफ़ाई की बात की जाए ट्रेन की, तो साफ़ सफ़ाई मेंटेन है, अच्छी मेंटेन है। हर कोच के अंदर आपको 3 से 4 लोग मिलेंगे हाउस कीपिंग के लिए, तो वो लोग मेंटेन कर रहे हैं साफ़ सफ़ाई प्रॉपर, कंप्लेंट वगैरह सब ठीक है। बाकी एक इसके अंदर साइड पेंट्री के नहीं है इसके अंदर, आप ये भी मत सोचिएगा, इसके अंदर साइड पेंट्री की सुविधा भी मिल जाएगी। वो जो साइड पेंट्री वो बाहर के वेंडर्स जो है ऑपरेट कर रहे हैं और उन पर ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि खाना वगैरह फूड क्वालिटी अगर कल को कुछ हो जाता है तो आप कंप्लेंट वगैरह कुछ भी रेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑनलाइन खाना मंगवा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप साथ में लेके चलिए या स्टेशन पर देख लीजिए स्नैक्स वगैरह मिल जाता है। IRCTC से ही ऑर्डर करिए, मैं तो बोलता हूँ कि ये साइड पेंट्री वाला जो रोल है वो मुझे पसंद नहीं आता है। एक बात मेरे को ये समझ में नहीं, इतनी लंबी रूट की ट्रेन है, इसके अंदर पेंट्री होना चाहिए था प्रॉपर डेडिकेटेड, पर पता नहीं जो है। फिलहाल जो है ट्रेन जो है 4 घंटे 40 मिनट के डिले के साथ चल रही है आसपास, और फिलहाल हम मुंबई में एंटर होने ही वाले हैं थोड़ी देर में। गुजरात को जो है हम लोग बाय बाय बोलने वाले हैं और महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे पिछली। बाकी मानसून देखिए सामने,
यहाँ पर 8:35 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है वसई रोड रेलवे स्टेशन पर। वेलकम टू द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई। यहाँ से जो है आप लोग मुंबई की तरफ बढ़ सकते हैं, लोकल आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद एक स्टेशन और आएगा पनवेल, वो भी मैं कवर करूँगा। अरे बाप रे भाई साहब, बारिश स्टार्ट हो गई। यहाँ की मुंबई की बारिश का कोई पता नहीं रहता है भाई साहब। बाकी चलिए, 5 घंटे के डिले के साथ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे भी जो है 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। यहाँ से हमारी वेस्टर्न वाली लाइन जो मुंबई सेंट्रल की तरफ जा रही है वो अलग हो जाएगी, और हम लोग यहाँ से सीआर वाली लाइन में, सेंट्रल रेलवे वाली लाइन में बढ़ जाएंगे जो कल्याण की तरफ जाती है थाने। इसलिए हम पनवेल होते हुए जो चिपलून होते हुए निकलेंगे मदगांव की तरफ। बाकी अभी तक की जर्नी बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है, और पैसेंजर थोड़े बहुत मुंबई वाले लोग यहाँ से उतरे। जिन लोगों को WR की तरफ जाना है, बोरेवली वगैरह जाना है, वो लोग यहीं पर डिबोर्ड हो गए हैं। जो लोग बोरेवली की तरफ, चर्चगेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दादर की तरफ जाना चाहते हैं, वो लोग यहीं पर डिबोर्ड हो जाते हैं। बाकी चलिए, स्टेशन छोटा सा है काफ़ी, तो इसलिए समय भी बहुत कम है। तो मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो थी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। बाकी बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है। ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं ऐसे और बहुत सारे ब्लॉग बनाकर। बाकी इसी के साथ ही साथ जो है मानसून सीज़न की जो जर्नी का आवाज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग बैक टू बैक जो है मानसून सीज़न जर्नी करने वाले हैं इस सीज़न के अंदर। तो मैंने आपको पहले मेरे जो था कमेंट बॉक्स में था, कम्युनिटी टैब में, मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया था कि मैं कोस्टल जर्नी को कंप्लीट करने वाला था। तो ये उसी कोस्टल जर्नी का पार्ट रहने वाला है। बाकी ये आ गई आपके कल्याण की तरफ से लाइन, और हम लोग पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं इसी के साथ। चलिए, यहाँ पर 9:56 पे हम लोग आ गए हैं पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप लोग जो है पुणे की तरफ भी बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ जो है हम यहाँ से चिपलून की तरफ बढ़ जाएंगे। कल्याण वाली लाइन मैंने आपको आते समय दिखाई दी थी, इसलिए जंक्शन बन जाता है। बाकी चलिए, हमने जो है खाना हमारा था वो ऑर्डर कर दिया था, तो यहाँ पे आ गया है। अब यही लेन अपना जो है डिनर होने वाला है। अभी अंदर जाऊँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी इस जर्नी का जो पार्ट है हम इसको यहीं तक रखेंगे, बस डिनर का जो है मैं आपको बता दूँगा। डिनर के बाद बस ये पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। इस जर्नी को जो है मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो आपको जो आगे की जर्नी रहेगी वो शायद से मैं कल सुबह सिंधुदुर्ग से दिखाऊँगा। कोशिश करूँगा सिंधुदुर्ग में मेरी नींद खुल जाए, अगर मॉर्निंग लाइट में हो जाए तो सिंधुदुर्ग से अपन कनेक्ट करेंगे। एर्नाकुलम होते हुए शोरनूर के रास्ते एर्नाकुलम होते हुए एलापुजा वाला जो रूट है वो इस बार अपने लिए नया होने वाला है।
तो अपन जो है केरला तक इस जर्नी को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ताकि अभी तक जो लोग यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू देख चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। आपके छोटे से मोटिवेशन, छोटे से कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए, हमारा जो है यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और मुंबई के अंदर ही अभी हम जस्ट अब यहाँ से मुंबई से बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे रोहा के आसपास जो है शायद से हमारा कोंकण रेलवे लग जाएगा यहाँ से, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ट्रेन आई है। काफ़ी सारे लोग बोर्ड हुए हैं और मुंबई का फेमस वड़ा पाव ट्राई करना मत भूलिएगा अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो। स्टेशन पे आसानी से मिल जाता है और अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है, आप वसई रोड पे लेंगे तो भी अच्छा मिलेगा और अगर यहाँ लेंगे पनवेल में लेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा मिलेगा। बाकी चलिए सीट की तरफ चलते हैं, सामान रखते हैं आराम से, और काफ़ी थक चुका हूँ, सुबह से जो है जर्नी चल रही थी तो पैर में दर्द होने लगा है आखिर, तो काफ़ी थकान सी हो गई है, तो आराम से रेस्ट करेंगे रात में। रात के सारे स्टॉप जो है स्किप करने वाले हैं अपन, रत्नागिरी वगैरह आएगा रात में तो उसको स्किप कर देंगे। बाकी खाने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑनलाइन मंगा लीजिए चाहे आप स्टेशन से। बाकी हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा था, स्टेशन पे भी खाने पीने के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे पनवेल पे, तो मैंने तो एक ट्राई नहीं करा है, बाकी आप लोग चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है, अभी तो मानसून में बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अभी मैं आपको एक से एक रूट इस सीज़न के अंदर, जो ये सीज़न का मानसून है ना, वो मैं आपको एक से एक रूट की जर्नी करवाने लगा। देखते जाइए, आगे आगे सस्पेंस रखिए, थोड़ा सा जर्नीज मैंने बहुत सारी प्लान कर रखी है, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो सारी जर्नीज जो है ऐसी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और अभी तक जो है काफ़ी अच्छी मेरी जो है इसके अंदर ट्रेन के अंदर जर्नी निकली है, क्योंकि मेंटेनेंस के मामले में ट्रेन 1-on-1 है। पंक्चुअलिटी थोड़ी सी बिगड़ गई है क्योंकि इसका शायद से कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जब ट्रेन आ रही थी, तो वहीं से लेट खुली है, और आते समय भी मैंने आपको दिखाया ब्रिज वगैरह का काम चल रहा था इसलिए थोड़ा सा डिले चल रहा था ट्रेन के साथ, तो वो एक रीज़न बन जाता है वैलिड कि हाँ भाई ट्रेन लेट हो गई है। बाकी देखा जाए ओवरऑल रूट पे लेट होने के बाद भी ट्रेन पंक्चुअल है, इसको पूरी प्रायोरिटी दी जाती है ट्रेनों के इस रूट के अंदर, तो आगे तक जो कितनी प्रायोरिटी देखती मिलती है वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्या प्रायोरिटी मिलती है। एर्नाकुलम हम कैसे पहुँचे, शोरनूर भी दिखाऊंगा मैं आपको, एर्नाकुलम कैसे पहुँचे हम लोग, वहाँ से कोल्लम कैसे पहुँचे हम लोग, एलापूजा वाली जो मेन जो लाइन है स्पेशल जिसके लिए मैं इस ट्रेन को सिलेक्ट करके आया हूँ वो दिखाना चाहता हूँ, जो लैंड ऑफ हाउस बोट जिसको बोलते हैं एलापूजा, उसके बारे में मैं कल आपको दूसरी वीडियो में वो जानकारी दूंगा जो इसका सेकेंड पार्ट रहेगा। कि चलिए अभी ट्रेन जैसी ही निकलेगी फटाफट डिनर करते हैं और मस्त आराम से जो है स्लीपिंग मोड पे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई है, कल सुबह फिर से कंटिन्यू अपने को ब्लॉक करना है इस रूट का। क्योंकि मौसम की बात की जाए तो मुंबई में अभी आते समय बारिश आपने देखा ही होगा, वीडियो में देखी गई होगी बारिश दिख रही थी, बारिश हर जगह हो रही है, बॉम्बे के सराउंडिंग में भी बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है, तो उसका तो टेंशन मतलब कि मानसून का कोई कमी है, भर भर के मानसून है। कल मैंगलोर में भी होपफुली अगर अपना साथ दिया किस्मत ने तो मैंगलोर में भी अपने को खतरनाक वाली बारिश मिलेगी। चलिए 10:05 पे हमने पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले लिया है, इसी के साथ जो है हम लोग मुंबई को बाय बाय भी बोल रहे हैं, ये मुंबई के अंदर हमारा लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का। कि भाई लोग जो लोग मेरा ब्लॉग जो है खाना खाते समय देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, जो लोग नहीं देख रहे हैं तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी देख लीजिए, जो ऑर्डर किया था पनवेल से हमने, ये गुड बाउल करके रेस्टोरेंट है, आप भी मंगवा सकते हैं, मैं जो है इसका डिटेल्स जो है यहाँ मेंशन कर दूँगा कि कौन से रेस्टोरेंट से, बाकी मैंने स्विगी से ऑर्डर किया था, ये ऑलवेज़ मैंने आपको बताया, वैसे भी मैंने हर बार टेस्ट करके बताया है। ठीक, चलिए मैं अपना जो है डिनर कंप्लीट करता हूँ और इसी के साथ जो है इस पार्ट को हम यहाँ तक रखते हैं, अगला पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट होने वाला है और आगे जो है आगे की जर्नी कैसी निकली, एर्नाकुलम तक हम कैसे पहुँचे, कितना डिले जो रहा है ट्रेन का, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊँगा, पूरा डिटेल्ड ब्लॉग होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, इसका रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बहुत बार कर रखा है, खाना बेस्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्विगी वगैरह आजकल सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, इस वीडियो के अंदर कैसे ऑर्डर करना है आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ इसमें नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।